उन लोगों को लगता है कि हम लोग उन लोगों को डोरी देंगे, घंटा ना देने वाला, ये सब कुछ चलता वलता नहीं है हमारे यहाँ। लड़की देना बंद कर देगा तो लड़का लेना भी बंद कर देगा। 100% दोषी उन लड़कियों के पेरेंट्स हैं जो जाकर के दे रहे हैं। आज की सोसाइटी में तो देना ही पड़ जाता है, पर उनके कर क्या लेगी, उसके बाद तो चूल्हा चौकी ही करना है उसको। लड़की है, बोझ है, शादी करके हटाओ। दहेज नहीं देंगे तो ऑब्वियसली लोग मेरी बेटी को टॉर्चर करेंगे। आप दहेज लीजिएगा। बिल्कुल नहीं लूंगा मैं बिल्कुल दहेज नहीं लूंगा। मैं तो दहेज के खिलाफ हूं मैडम, लेकिन कभी कभी मन करता है कि मैं भी दहेज लूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। डाउरी, दहेज एक पहले से चली आई प्रथा है जो लोग उसको अब तक चला रहे हैं। बात करें अगर बिहार की या फिर बात करें अगर पूरे देश की, तो ये जो प्रथा है वो बहुत पहले से चली आ रही है, जिसको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके लड़कियों के परिवार वालों को। शादी के समय में यह चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक और चीज़ पे अगर बात करें तो बिहार में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में भी करवा दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने निकले हैं आज पटना की बिहार की युवा से, उनकी क्या राय है, क्योंकि यही है आने वाले कल के भविष्य। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दहेज और जो पहले जो बच्चों की जो शादी कर दी जाती है अर्ली एज में, जल्दी शादी जो लड़कियों की कर दी जाती है, उस पर क्या कुछ कहना है। आइए हमारे साथ। जो डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, वो किस हद तक आप उसको सही मानते हैं? और जो एक साथ डाउरी सिस्टम के साथ साथ जो बाल विवाह है, लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है खास करके बिहार में, क्या मानना है आपका? बहुत, मतलब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है उसको लेके, बहुत ज़्यादा ये रहता है कि किसी का भी कर दो। और मेन करके गांव में रहता है, शहर में तो अब थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन गांव में कुछ ज़्यादा ही रहता है इसको लेके, बहुत गंदा है। किसी का भी मतलब होता है ना कि यहाँ पे गांव में नहीं होता है कि टेंथ के बाद लड़की को पढ़ना नहीं है, तुरंत कर दो शादी, उसके बाद लड़की को सेटल कर दो। बस यही है कि पढ़ के भी क्या कर लेगी आगे, पर उनके कर क्या लेगी, उसके बाद तो चूल्हा चौकी ही करना है उसको। ये बहुत, मतलब यहाँ का सिस्टम बहुत गंदा, वही ले लो राजस्थान में भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल है, बाकी दल्ले वल्ले में तो ठीक हो गया, लेकिन बहुत गंदा यहाँ का, तो बहुत गंदा हालत है उसको लेके। और दहेज प्रथा को लेके क्या कहना चाहिएगा आप, जैसे कि दहेज लिया जाता है, और आप इस चीज़ को कैसे, कल को आपकी भी शादी होगी तो आप दहेज प्रथा को सपोर्ट करिएगा उस समय अगर आपके माँ बाप दहेज देते हैं या फिर लड़के वाले मांगते हैं? नहीं, दहेज तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जब लड़की आपके पास, एक तो माँ बाप करता है कि लड़की को देता है, ऊपर से उसके बाद आपको ये भी चाहिए कि लड़की के साथ साथ आपको दहेज भी चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। और अब तो खास करके लड़की लोग तो पढ़ी लिखी भी होने लगी है, उन लोगों को खुद ही होना चाहिए कि कम से कम जब पढ़ लिख के जा रहे तो ऐसे भी जॉब करने के बाद वो तो सारा उनका ही है ना, तो फिर दहेज क्यों देना। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, ओके, एंड आई विल से मीन्स मतलब बीइंग अ गर्ल आई विल से कि अगर ये सब जो हमारा छोटे में शादी कर देना लड़कियों का, मतलब वो समझते हैं कि मतलब घर से बाहर नहीं जाना, बहुत जगह ये चीज़ मतलब है, मतलब स्टिल अभी गांव में या फिर विलेजेस में अभी ये चीज़ है कि मतलब लड़की को बाहर नहीं जाना है, उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई विल से कि प्लीज़ डोंट टेक एज ईजी, मीन्स डोंट टेक गर्ल्स ईजी, ओके। हम लड़की बहुत चीज़ कर सकते हैं बाय द वे, एंड इवन आर पेरेंट्स सपोर्ट अस दैट यू कैन गो, मीन्स वी हैव रिस्ट्रिक्शंस टू नॉट गो आउट एट मिड नाइट्स एंड ऑल, वी ऑल हैव मेनी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड एल्स व्हाट आई कैन से कि और क्या कह सकते हैं। लाइक ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़की नहीं हो गई है पर वो एक तरह से बोझ हो गई है। yeah. जी फैक्ट यही है कि पेरेंट्स आजकल, गाँव का क्या बात करना है, पटना जैसे शहर में भी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मतलब लड़की है, बोझ है, शादी करके हटाओ। एंड द थिंग इज़ कि जो लड़के वाले होते हैं उन्हें लड़की तो मिल रही है पर उन्हें दहेज चाहिए। लड़की मिल रही है उस चीज़ पे उन्हें घमंड, उस चीज़ पे उनको नहीं है, उनको लड़की मतलब दहेज चाहिए ही चाहिए। मतलब इतना आप कैपेबल नहीं हो कि आप अपने पैसे से अपने बेटे की शादी कर सको कि आप लड़कियों से ले रहे हो, वो भी आपके बेटे की तरह ही एक तरह से स्टैंड लेती है अपने लाइफ में, वो जो चाहे वो कर सकती है, पर आप ये सोचते हो कि नहीं लड़की है तो मेरे को दहेज चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा सिस्टम तो चलेगा नहीं भाई। सारे पेरेंट्स जो ओल्ड थिंकिंग वाले हैं वो तो भाई आपको दे देंगे, मजबूरी है उनका। लेकिन अब अभी के जनरेशन में हम लोग के जो मतलब बच्चे होंगे, हम लोग उन लोगों को लगता है कि हम लोग उन लोगों को डोरी देंगे, घंटा ना देने वाला, ये सब कुछ चलता वलता नहीं है हमारे यहाँ। मतलब अब पुराने ज़माने के पेरेंट्स भले सोचे कि लड़की है तो देना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ हमारे एजुकेशन ऑल्सो मैटर्स।
हम लड़कियां लोग अभी एजुकेशन को लेके इवन पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एजुकेशन को लेके बहुत, और फिर एजुकेशन आजकल खरीद ले रही है इसको, ठीक है ना, और लाइक बहुत चीज़ मैटर करता था पहले, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है फिर भी शादी हो रहा है आपका, वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ तक पढ़े हो, आप क्या हो, वो मैटर नहीं कर रहा आजकल, आजकल बट डाउरी सिस्टम इज गोइंग ऑन। मतलब जाना चाहिए कि ऐसे आप लोग की शादी होगी आगे चल के, तो क्या दहेज को सपोर्ट करोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, हम मिल रहे हैं, अगर तुम हमारा खर्चा नहीं उठा सकते भाई, इतने पढ़े लिखे हैं कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं बस। और आज पेरेंट्स हम लोग को इतने बड़े बड़े स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हम लोग किसी के हाँ चल जाएंगे एंड आर एजुकेशन विल गो अहेड, लाइक बर्तन धोना, रोटी बनाना जो लड़कियों लोग का काम है, प्लीज़। आजकल हम लोग इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के हम लोग को ये नहीं सीखना है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को इससे दिक्कत होती है, प्रताड़ित भी किया जाता है शादी के बाद, तो ख़त्म होना ही चाहिए। तो मतलब ख़त्म तो कर देना चाहिए, लोग बोलते हैं ख़त्म हो जाए, सरकार भी अपील करती रहती है, लेकिन जब शादी होने की बात होती है तो दहेज तो लिया जाता है, चाहे एक लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। हाँ मतलब ये तो मतलब मान लिया गया है कि कल्चरली ये एक्सेप्टेड है, और मतलब जो लड़की जितना दहेज लेके आती है उसको मतलब प्रोपेगेट किया जाता है कि भाई मेरी बहू ने इतना इतना सामान लेके आई है जी। तो इस चीज़ को रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये चीज़ कुप्रथा चल रही है जी, और इसे ख़त्म करना ही चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं लोग, क्या मानसिकता लाने की ज़रूरत होगी, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? पहला तो एजुकेशन, एजुकेट करना पड़ेगा कि नहीं मतलब इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कोई, और फिर ये भी देखा गया है कि जो लड़की दहेज लेके आती है जी, वो मतलब कालांतर में ये देखा गया कि वो ये भी क्लेम करती है कि भाई मैं इतनी दहेज लाई हूँ, मेरे पिता ने इतना कुछ दिया है आपको, आप मुझे नहीं बोल सकते हो, नहीं टोक सकते हो हर चीज़ पे जी, जी। तो ये भी एक मतलब देखा गया एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता ही है सोसाइटी में। तो आपने दहेज ली, मतलब आपकी शादी हो गई है ना, आप दहेज लेने का सोचो कि दहेज लेना है नहीं लेना, ये बहुत लोग बोलते हैं फैमिली प्रेशर में दहेज ले लेते हैं। नहीं पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मैं बहुतों को ऐसे जानता भी हूँ जो शायद बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं, और इनकी मानसिकता ये है कि अगर हम इस पोस्ट पे पहुँच जाएँ तो हमें दहेज ज़्यादा मिलेगा, तो इस तरह का भी ये देखा गया है, लेकिन ये गलत है और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि दहेज प्रथा पर सब लोगों का अपना अपना एक ओपिनियन होता है जी। हमारा ओपिनियन ये है कि खास करके हम अपने जो हम जिस समाज से आते हैं, फॉरवर्ड समाज से आते हैं, स्वर्ण जी। जानती होंगे आप स्वर्ण जाति जी। तो हमारे समाज में ये है कि जो मतलब मिडिल क्लास के हैं या जो अपर हायर लोग हैं उनका तो खैर बात एक अलग है, लेकिन जो मिडिल क्लास के भी हैं जिनके पास कुछ जगह ज़मीन है बाहर में है या खेत बाड़ी है जी। तो वो क्या करते हैं कि कुछ अपना जगह ज़मीन बेच करके और सेल करके और चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे घर में शादी करें, लड़का सर्विस में हो और गवर्नमेंट सर्विस में हो जी, 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 जी। तो ये जो गवर्नमेंट सर्विस एक मतलब एक प्रथा चला हुआ है जी, जी, सर्च करने का कि हम अपनी बेटी की शादी गवर्नमेंट सर्विस वाले से ही करेंगे जी। तो गवर्नमेंट सर्विस आज के डेट में मैडम बहुत मतलब एक समझिए कि भगवान को पाने जैसा हो गया है जी, 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 जी। जो अभी जो हालिया जो चल रहा है स्थिति उस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट सर्विस वाला मिल रहा है तो समझिए कि वो लोगों के मन में ऐसा रहा कि मुझे भगवान मिल गया जी। तो वो ऑलरेडी उसका तो डिमांड बढ़ा हुआ है तो वो अपना मनमानी करता है कि भाई मैं तो अब मान लीजिए कि 100 में 2 नौकरी वाला है तो बाकी 98 को तो कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन जो वो दो लोग हैं वो दोनों महान हैं, महान हैं सबके नज़रों में, तो वो तो ऑटोमेटिक उनका वैल्यू बढ़ गया जी, जी। तो एक ये भी डाउरी सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं अपील करूँगा उन पेरेंट्स से जो युवतियों के पिता हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले को महत्व मत दीजिए, जो बिजनेस कर रखे हैं, बिजनेस से भी लाखों करोड़ों कमाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वेब डिजाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, या बहुत सारी प्राइवेट बैंक में हैं, प्राइवेट बैंक में लोग जॉब करते हैं, अच्छा खासा सैलरी उठाते हैं मैम। तो लोग बोलता है कि लड़के वाले दहेज ले रहे, नहीं, इसमें 100% दोषी उन लड़कियों के पेरेंट्स हैं जो जा करके दे रहे हैं जी। इसमें तो मांगा जाता है तब ना देते हैं। नहीं, एक पॉइंट और इसमें उपाय तो नहीं बचता है ना मैडम। अब आप चाह रहे हो कि मुझे मैं डीएम से ही शादी करूंगी जी, क्यों आपको डीएम ही सिर्फ पसंद आ रहा है जी, और लोग भी हैं भाई, ठीक है मान रहे हैं कि डीएम बहुत रुतबा वाला आदमी होता है जी। तो सब लोग के बस के बात नहीं है भैया, किसी सरकारी नौकरी वाले दहेज लेते हैं हाँ मैक्सिमम है बट मैडम हमको ये बता दीजिए कि मिडिल क्लास में प्राइवेट नौकरी वाले को कितना दहेज मिलता है,
अभी मेरे ही भाई का शादी हुआ है, एचएम करके दिल्ली में नौकरी कर रहा है, 40,000 का पेमेंट उठाता है, 8,00,000 रुपये तिलक मिला है और एक एफजेड बाइक मिला है, क्या मिल गया। वहीं पे एक रेलवे ग्रुप डी वाला का शादी हुआ 4 महीने के बाद, वो 20,00,000 तिलक लिया और कार का भी डिमांड कर रहा था लेकिन कार नहीं मिला, बस रहते लेकिन कोई बुलेट उलेट बाइक वाइक मिला। तो कितना मिला, 8,00,000 और 20,00,000 नगद, कितना का अंतर है, 12,00,000 का अंतर है कि नहीं, बताइए हमको। तो कैसे है ये, उन्हीं के मानसिक ये का कारण है, क्यों दे रहे हैं आप दहेज लीजिएगा। बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, अच्छा। मैं बिल्कुल दहेज नहीं लूंगा, मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ मैडम, लेकिन कभी कभी मन करता है कि मैं भी दहेज लूँ। अच्छा, अब बोलिएगा पैसा क्यों कह रहे हैं। मैं अभी बेरोजगार हूँ, मेरे को कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा मेरे को क्या कर रहा है लड़का भाई, तो प्रिपरेशन कर रहा है, भाई छोड़ो होगा कि नहीं होगा कौन जान रहा है। लेकिन अगर किसी को भनक लग जाए कानों कान की भाई सर्विस में चला गया, एसडीएम डीएम तो छोड़ दीजिए ना, छोटी मोटी नौकरी अगर कोई सरकारी हो जाए, ग्रुप डी ग्रुप सी एसएससी या रेलवे बिहार कांस्टेबल कुछ भी, तो लड़की वाले दरवाजे पर पहुंचना शुरू कर जाएंगे, यहाँ वहाँ से फ़ोन आना चालू हो जाएगा कि ब्याह करोगे बेटा जी, हाँ लड़की वाले आ रहे हैं, क्या है लड़की का फोटो भेजूँ, अरे नौकरी लगने के बाद हम कौन सा सलमान खान हो गए मैडम। तो ये भी एक चीज़ है, ये उन लोगों की मानसिकता का ही ये देन है कि आज उनका मन बढ़ गया है। दहेज प्रथा जो है इसको बिल्कुल रूप से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी गार्जियन है पेरेंट्स हैं, यदि वो आजकल के डेट में अपने बच्चे के लिए यदि दहेज दे रहे हैं, उस दहेज को यदि अपनी बेटी के शिक्षा पर यदि खर्च किया जाए, एजुकेशन पर खर्च किया जाए, तो वो दहेज काफ़ी अच्छा रहेगा, दहेज से अच्छा रहेगा, क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट भी होगा, ऊपर से देश विकास भी डेवलप भी करेगा। माता पिता के पढ़ाने के बाद भी लड़के वाले दहेज तो मांगते हैं ना, बिना दहेज के तो शादी नहीं हो पाती है, ऐसे कई रिश्ते हैं देखने को मिले हैं जहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी पढ़े होने लिखी होने के बाद भी दहेज उन्हें देना पड़ता है। दहेज दोनों तरफ से सोच बनाना पड़ेगा, जो किधर से दोनों, यदि लड़की देना बंद कर देगा तो लड़का लेना भी बंद कर देगा। तो आप लीजिएगा दहेज? नहीं लेंगे हम, क्यों लेंगे दहेज, क्योंकि आज मेरे ऊपर भी खर्च जैसे मेरे पापा कर रहे हैं या मेरी मम्मी कर रही है, मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, वैसे तो लड़की के पीछे भी तो खर्चा कर किया जा रहा है जी। तो क्यों कर, दोनों के ऊपर तो इक्वालिटी है जी, डेमोक्रेसी है। एग्जैक्टली वो रुकना ही चाहिए डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम की वजह से अभी मतलब स्पेशली ये सोशल वेलफेयर को लेके, ये सब चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ये मतलब सोसाइटी को बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। एग्जैक्टली तो डॉरी सिस्टम तो रुकना ही चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को क्या होता है ना कि इसके लिए प्रेशर्स भी हो जाते हैं जी घर में मतलब शादी को लेके, तो पेरेंट्स पे भी, ज़रूरी नहीं है ना कि सब लोग मतलब कैपेबल ही हो जी मतलब एग्जैक्टली पैसा वगैरह के लिए, तो ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए, बंद तो खैर होना ही चाहिए, मतलब डॉरी सिस्टम पे तो बंद होना ही चाहिए। एग्जैक्टली जी, और हम जानना चाहेंगे कि बाल विवाह भी है, बाल विवाह लड़कियों की शादी कम एज में भी कर दी जाती है, इसके लिए क्या कहना है, एक तरफ डाउरी सिस्टम एक तरफ बाल विवाह, देखने को सारी चीज़ें मिलती है खास करके बिहार में। बाल विवाह जो है वो हमारे सोसाइटी का और जो मतलब जो हिस्टोरिकल चीज़ इस चीज़ को देखा जाए तो बाल विवाह जो है वो एक मतलब पुरानी परंपरा चलते आ रही है जिसका हमें ख़त्म करना चाहिए ये चीज़। बाल विवाह की वजह से क्या होता है कि बच्चों का करियर वगैरह सब कुछ जो है वो चौपट होता जा रहा है। पहले क्या होना चाहिए कि स्टडी एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, शादी इज़ द सेकेंडरी थिंग, उसको बाद में देखना चाहिए, पहले क्या है कि एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और डाउरी सिस्टम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के रह गया है हमारे सोसाइटी में, तो इसको भी एग्जैक्टली ख़त्म करना चाहिए, दहेज रोकना चाहिए जी। और ये लीगल भी है लड़कियों के लिए और मेरे हिसाब से गलत जी। हम आप लोग तीनों से जानना चाहेंगे कि ऐसे कि अगर आपके लिए कभी इन फ्यूचर आप लोग की भी शादी की बातें होंगी, तो क्या जब उस समय अगर ऐसी बातें आती हैं दहेज की, तो क्या आप लोग मतलब क्या देना पसंद करेंगे, नहीं देना पसंद करेंगे, क्या चीज़ें होंगी आप लोग की तरफ से, क्या इनिशिएटिव होगा? आज के डेट में तो डॉरी सिस्टम इतना आगे बढ़ चुका है एग्जैक्टली तो मतलब क्या होता है ना कि प्रेशर भी हो जाता है कि हाँ देना है ठीक है, बट पर्सनली आप पूछोगे तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि नहीं ही देना है, ऑब्वियस सी बात है, बट आज की सोसाइटी में तो देना ही पड़ जाता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है ना कि गवर्नमेंट ने बोला है कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहिए, तो अभी क्या हो रहा है ना कि जस्ट एन एग्जांपल ले सकते हैं कि शराबबंदी हुई तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं लोग कि शराब छुपा करके भी ज़्यादा लिया जा रहा है, लोग उसको पी ही रहे हैं, तो दहेज प्रथा भी कुछ ऐसा ही हो गया है कि गवर्नमेंट की नज़र में है कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है कि दहेज अगर दोगे तो ना आप सामने वाला लेगा आपसे, ये भी तो बात है। मेन क्या है कि पेरेंट्स लोग क्या सोचते हैं कि अगर दहेज नहीं देंगे तो ऑब्वियसली लोग मेरी बेटी को टॉर्चर करेंगे आफ्टर मैरिज, तो ये उनकी मतलब मजबूरी बन जाती है कि देना ही पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रंस, उनको देना ही पड़ जा रहा है। नहीं लगता है कि ऐसे में महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है, महिलाओं को आगे आने की जरूरत है ताकि ये चीज़ को रोका जा सके?
मेरे नज़र में क्या है ना कि मतलब जितना मेंस लोग यहाँ के एजुकेटेड हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को भी मतलब लड़कियों को भी उतना ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आई होप सो कि डॉरी सिस्टम वगैरह का उतना डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमारे यहाँ प्राइमरी चीज़ ये भी है कि लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, सभी पेरेंट्स को देखा जाए तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि नहीं होना चाहिए। प्राइमरी चीज़ यही है और सेकेंडरी चीज़ है कि डॉरी सिस्टम ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब लोग जो चोरी छुपे भी लेते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, लोग को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होना चाहिए ये चीज़। देखा जाए तो अर्ली एज में लड़कियों की शादी तो नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उस समय लड़कियाँ मैच्योर होती नहीं हैं, ना ही फिज़िकल रूप से देखा जाए ना ही मेंटल रूप से उनमें मैच्योरिटी नहीं आती है। कम उम्र में उनकी शादी हो जाने के बाद उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। शादी होगी तो ऑब्वियस है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी और उनसे उनके बायोलॉजिकल वो में बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात अगर हम कहें तो डाउरी, डाउरी जो है वो हमारे समाज के लिए समझिए कि एक अभिशाप है। डाउरी के कारण ही लड़कियों का जन्म देखा जाए तो हरियाणा में देखिए अगर लड़कियों के जन्म के पहले ही उनकी हत्या कर दी जाए, फिटिसाइड कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नहीं लड़कियां अगर जन्म ले लेंगी तो घर में एक शोक का मतलब माहौल हो जाता है, बोझ जो कहा जाता है कि लड़कियों को जी मातम सा छा जाता है। वो चाहते हैं कि लड़के हमारे घर जन्म ले ताकि वो अर्न करें। अगर लड़की आएगी तो उनके लिए हमें दहेज देना होगा, शादी विवाह में बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारा पैसा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये सारी मानसिकता को देखते हुए डाउरी जो है वो हमारे समाज के लिए सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जी, आप लोग से जानना चाहेंगे क्या लगता है जो दहेज पता है वो किस हद तक सही है? सही तो नहीं है, दहेज नहीं लेना चाहिए, वही सही है। ज़रूरी नहीं है कि हम लड़की का शादी करेंगे तो दहेज देंगे ही देंगे कि लड़की हो तो दहेज देंगे, लड़का हो तो नहीं देंगे। दहेज नहीं लेना चाहिए और कम उम्र में शादी भी नहीं करना चाहिए लड़की का, कि फिजिकल और मेंटली वो सही नहीं रहती उस टाइम। आई थिंक सो कि डॉरी सिस्टम जो अभी चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से जो हमारी गांव की बहन और बेटियां हैं वो अच्छे से नहीं वो एडजस्ट कर पा रही कहीं भी, क्योंकि ये सोच के कि डॉरी की वजह से शायद उन्हें कुछ परेशानी आगे चल के ना हो, और अपने माता पिता के वजह से भी थोड़ा वो परेशान रहती हैं। तो सुना आपने, युवाओं और युवतियों ने तो अपना जवाब दे दिया है। युवकों का कहना है कि वो दहेज को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो दहेज को नहीं मानते हैं, वो आगे चलकर इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। और लड़कियों से भी जब हमने बात किया तो उनका भी यही कहना है कि जब हम पढ़ी लिखी हैं तो हम दहेज क्यों दें, लेकिन लड़कियों के परिवार वालों पर दबाव बनाया जाता है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, धन्यवाद।